तो दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्द अपना अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A50s लॉन्च करने वाला है, जो कि मिड रेंज के प्राइस में आने वाला स्मार्टफोन है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक पंच होल डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल, और उसके साथ ही दोस्तों एक जिनोक्स 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50s में आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, जो कि आने वाला ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ में, जिसे सैमसंग 3D ग्लास्टिक कहती है। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50s में आपको देखने को मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस का स्क्रीन, जो की आने वाला एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों पंच होल डिस्प्ले में ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक्सिनोक्स के 9611 का प्रोसेसर, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। आप इस स्मार्टफोन में बहुत ही आसान तरीके से पबजी और बहुत ही अच्छे अच्छे गेम खेल पाएंगे। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की कैमराज की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50s में आपको देखने को मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि सैमसंग के वन यूआई के साथ आने वाला है। और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2 रैम वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है 15,000 रुपीज के करीबन, और 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 17,000-18,000 रुपीज के करीबन देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों A50s और A70s दोनों स्मार्टफोन को सैमसंग बहुत ही जल्द यानी अक्टूबर के महीने तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगी। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले से वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।